नमस्कार, मैं हूँ संजय मीरे। नमस्कार, मैं हूँ रूपा पंडित। कारण न्यूज के बीच फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान, सौराष्ट्र कच्छ में बारिश का अलर्ट, तो वहीं दूसरी ओर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुँचे गुजरात सीएम, बीरपर जॉय से हुए नुकसान का लिया इस दौरान जायजा। वेस्ट इंडीज दौरे पर टेस्ट क्रिकेट वापसी कर सकते हैं हार्दिक पांड्या, अगले हफ्ते होगा टीम का ऐलान। कर्नाटक में 20 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस सरकार। धर्मगुरुओं को मठ में रहना चाहिए, राजनीति में घुसपैठ ना करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग हुई शुरू, श्राइन बोर्ड ने नहीं बढ़ाया किराया, अब अमरनाथ की यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के साथ। छिंदवाड़ा के कमलनाथ को झटका, प्रदेश की 13 सीटों पर उपचुनाव में 7 पर भाजपा की। असम सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेज में 6 समुदायों के लिए बढ़ेगी आरक्षित। केदारनाथ में एक बड़ा हादसा, सिलेंडर में आग लगने से हुआ धमाका, यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड के हादसे की वजह से रोका गया यात्री। अब दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम पीएम मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। जी हां, अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी का नाम दिया गया है, केंद्र ने लिया फैसला। गुरुवार को रक्षा खरीद परिषद के बैठक में अमेरिका से MQ-9BC गार्जियन सशस्त्र ड्रोन खरीदने के सौदे को दी गई मंजूरी। अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाए गए प्रीडेटर ड्रोन है सबसे शक्तिशाली हथियार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर मचा बवाल, अब लातूर में भी ऐसा ही एक नया मामला आया सामने। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुआ एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने सीमा पार से आए 5 आतंकियों को किया ढेर। तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर सबसे पहले दी दस्तक, जिसके कारण गुजरात में मची तबाही, लोगों के घरों की गई बिजली, तो वहीं 22 लोग हुए बेघर। बांग्लादेश में आया भूकंप, 4.8 की रही तीव्रता, 7 या सब के गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुजरात के बिपरजॉय में तबाही के बाद राजस्थान पहुंचा बिपरजॉय, 5 जिलों में रेड अलर्ट बताया गया। बिपरजॉय के कहर को देखते हुए जोधपुर के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होने वाली 16 और 17 जून की परीक्षाओं को किया गया स्थगित। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी करने का दावा करने वाली शिव रंजनी तिवारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी करने की कोई कामना नहीं, हम तो सिर्फ बागेश्वर बाबा के दर्शन कर। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के पहले नामांकन के दौरान ही हुई हिंसा में कुल 5 लोगों की हुई मौत और 90 से अधिक लोग हुए घायल। हॉलीवुड के जाने माने एक्टर अल पचीनो 83 साल की उम्र में एक बार फिर बने पिता, 29 साल की गर्लफ्रेंड नूर ने दिया बेटे को जन्म। मोस्ट अवेटेड फिल्म के ओपनिंग पर शानदार कलेक्शन की उम्मीद, तो वहीं दूसरी ओर नेपाल में हो रही है आदि पुरुष को बैन करने की मांग। प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष 16 जून से सभी सिनेमा घरों में हुई रिलीज। और इसी के साथ आज के ये 20 फटाफट खबरें यहीं समाप्त होते हैं। कारण न्यूज में लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।